हे गाइस, दिस इज संदीप एम योर इंग्लिश ट्रेनर और आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ इंग्लिश के वर्ड और उनके मीनिंग प्लस उन्हें बोलने का सही तरीका। तो जैसे देखिए, बोलने का सही तरीका बहुत ज़्यादा इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी वर्ड की गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जैसे मैंने कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं वो वी को WE जो होता है वी उसे बोलते हैं वी, तो ऐसे ही आपका गलत इम्प्रेशन ना हो तो वीडियो में एंड तक बने रहें तो और सीखें कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश के वर्ड और उन्हें बोलने का सही तरीका। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर, क्योंकि आज आपके लिए आया हूँ वर्ड तो कॉमन ही हैं लेकिन उन्हें बोलने का तरीका जो है वो भी बहुत मैटर करता है। तो चलिए जी, बिना टाइम को वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो फर्स्ट वर्ड इज एस्थमा। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं एस्थमा। एस्थमा होता है जो किसी को वो सांस की बीमारी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसे हम एस्थमा कहते हैं। तो चलिए जी, एस्थमा बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं एस्थमा। इट्स एस्मा, दिस इज कॉल्ड एस्मा। तो आप इसे एस्थमा मत बोलिए या अस्थमा मत बोलिए, आप इसे बोलिए एस्मा। आई नो कि स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आप इसे बोलना शुरू करेंगे तो आपके ये टंग पे चढ़ जाएगा और आपकी जो इंग्लिश है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज बाउल। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं बाउल। जो हमारे घर में वो कौली होती है ना, उसे हम कहते हैं बाउल। तो उसे बाउल कहना गलत है, उसे हम कहेंगे बॉल। बॉल वो खेलने वाली नहीं होती, बॉल, और इसे भी कहते हैं बॉल। तो चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, वो है, हाँ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, ये है वेडनेस्टडे बोल देते हैं इसे। ये वेडनेस्टडे नहीं है, स्पेशली हमारे पंजाबी जो भाई बहन है वो कह देते हैं वेडनेस्टडे। अरे मेरे भाई, ये वेडनेस्टडे नहीं है, इसे वेनेसडे। नेक्स्ट इज, हाँ, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को प्रोनंसिएशन ही नहीं बोलना आता, वो प्रोनंसिएशन बोल देते हैं जबकि प्रोनंसिएशन गलत है। इसे हम बोलते हैं प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं कहना, प्रोनंसिएशन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है रिसिप्ट। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं रिसिप्ट, रीसेट, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इट्स अ पिज्ज़ा। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं पिज्जा, इसे पिज्जा नहीं, पिज्जा कहेंगे, पिज्जा। तो चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हमारा, हाँ, बहुत, ये रेस्टोरेंट कभी नहीं होता, इसे हम रेस्टोरा कहेंगे, रेस्टोरा। जैसे कहते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं मेरे भाई, इसे हम रेस्टोरा कहेंगे, रेस्टोरा। तो चलिए रेस्टोरा चलते हैं, रेस्टोरा। इसे भी बहुत सारे लोग गलत ही बोलते हैं, इट्स अ, ये इसे इंजीनियर नहीं कहते, इसे इंजीनियर कहते हैं, इंजीनियर, नॉट अ इंजीनियर, इंजीनियर। ये वर्ड, इसकी प्रोनंसिएशन चेंज हुई है जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इस वर्ड में। जैसे इसे पहले कहते थे ज्वेलरी, अब इसे ज्वेलरी कहते हैं। इसकी प्रोनंसिएशन कैसे चेंज हो गई, इसकी प्रोनंसिएशन ऐसे चेंज हो गई। जैसे कि देखिए, स्टार्टिंग में जो तितली तो आपने देखी होगी, जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई इंग्लिश में, बटरफ्लाई। तो स्टार्टिंग में उसका नाम था वो फ्लटरबाय, अंग्रेजों ने जो भी उसका नाम रखा था फ्लटरबाय रखा था, लेकिन वो बाद में वो चेंज होता गया होता है, फ्लटरबाय हो गया, बटरफ्लाई हो गया। तो ऐसे ही इंग्लिश बनी है। तो पहले भी इसे कहते थे ज्वेलरी, अब कहते इसे ज्वेलरी। तो आप गलत मत कर देना, दिस इज अ राइट प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा,
नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यूज़ कब होता है, जब किसी जब कोई देश तरक्की करो तो हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, तो उसे डेवलपमेंट कह देते हैं, यानी कि अभी इसे डेवलपमेंट कहेंगे। तो आप डेवलपमेंट मत बोल देना, डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ब्रेकफास्ट। इसे हम ब्रेकफास्ट नहीं कहते, इट्स अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट होता है ब्रेकफास्ट। ये देखिए ये वर्ड बना कैसे है, ब्रेक होता है तोड़ना, फास्ट होता है बर्थ। जैसे कि आपने शाम को यानी कि डिनर किया 7-8 बजे, 7-8 बजे तो आप करते नहीं होंगे, मे बी 10-11 बजे लगाओ, 9-10-11 बजे लगाओ। जब भी आपने डिनर किया उसके बाद 11-12-1-2-3-4-5-6 जब भी आपने सुबह कुछ खाया तो आपका जो ब्रेक था यानी कि जो आपका फास्ट था ना, फास्ट होता है बर्थ, ब्रेक होता है तोड़ना, वो ब्रेक हो गया। जैसे आपने चाय पी ली या कुछ भी खाया तो आपका फास्ट था वो ब्रेक हो गया, तो बन गया ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट इज कूपन कोड। इट्स नॉट अ कूपन कोड, बहुत सारे लोग इसे कूपन कोड बोलते हैं, इट्स अ कूपन, से हम बोलते हैं कूपन, कूपन, कूपन कोड, कूपन नहीं कूपन कोड। नेक्स्ट इज इसे लोग बोलते हैं डाटा, ये डाटा नहीं होता है, ये डेटा होता है, डेटा। डेटा कौन सा हो गया, जैसे कि आप इंटरनेट अपने फ़ोन में डलवाते हो, वो उसे भी हम इंटरनेट डेटा कह देते हैं। डेटा वो भी हो गया जो आपकी आपकी गैलरी में पड़े हैं, जैसे कि वो आपकी फ़ोटोज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, उसे भी हम डेटा ही बोल देते हैं। तो नेक्स्ट इज थंब। इसे थंब नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें बी साइलेंट है, हम बोलेंगे इसे थंब। तो ये नेक्स्ट आ गया जी, नेक्स्ट बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं अनियन, जिसका मतलब होता है प्याज, प्याज बोल देते हैं हमारे कुछ पंजाबी भाई, इसे गंडा भी बोल देते हैं। तो चलिए जी, इसे हम ऑनियन नहीं कहेंगे, इसे हम अनियन कहेंगे, अनियन। तो चलिए जी, ये था हमारा लास्ट वर्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आप इन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना, ताकि आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो सके। तो बने रहिए संदीप एकेडमी चैनल के साथ, और चैनल को हेल्प करें, चैनल को आगे ग्रो करने में, ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट लेकर आता रहूँ और आपको ऐसे ही सिखाता रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप इन टच, संदीप एकेडमी पात्रा।